मोटोरोला S50 वर्सेस मोटोरोला S50 नियो। जी हाँ, मोटोरोला S50 नियो लॉन्च होने वाला इंडिया में बहुत ही जल्द। तो इसका सारे स्पेक्स आ चुके हैं बाहर, तो आज हम इसको मोटोरोला S50 के साथ कंपेयर करने वाले हैं और देखें ये दोनों में से क्या डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के डिज़ाइन की। तो यहाँ पे डिज़ाइन में ही डिफरेंस देखने को मिल जाता है स्टार्टिंग में ही। जो मोटोरोला S50 है वो हमें कर्व डिस्प्ले के साथ देखने को मिल रहा था, पर अब जो मोटोरोला S50 न्यू है वो हमें फ्लैट स्क्रीन के साथ देखने को मिल जाएगा। दोनों के बैक में ही हमें वेगन लेदर देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इन दोनों के कलर की, तो यहाँ पे जो मोटो S50 है उसमें हमें 3 कलर देखने को मिल रहे थे, अब इस बार हमें जो मोटो S50 न्यू है उसमें हमें 4 कलर देखने को मिल जाएंगे। दोनों ही IP68 के साथ आएंगे। अगर बात करें दोनों के थिकनेस की, जो मोटोरोला S50 न्यू है वो हमें 8.1 mm देखने को मिल जाएगा और जो मोटोरोला S50 है उसका थिकनेस हमें 7.79 mm देखने को मिल जाएगा। बात कर दोनों के वेट की, तो दोनों करीबन सेम वेट करेंगे, करीबन 180 ग्राम के आसपास दोनों ही वेट करेंगे। अब आते हैं इन दोनों के प्रोसेसर में। दोनों के ही अलग प्रोसेसर यूज होते हैं। जो मोटोरोला S50 है उसमें हमें स्नैपड्रैगन का 7 Gen 1 देखने को मिल जाता है और वहीं पर जो मोटोरोला S50 न्यू है उसमें यूज किया गया है मीडियाटेक का Dimensity 7300 प्रोसेसर। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। अगर बात करें इन दोनों के एंटीटी स्कोर की, तो दोनों में ही करीबन हमको सेम एंटीटी स्कोर देखने को मिल जाएंगे, करीबन 7 लाख के ऊपर। अगर बात करें इन दोनों का प्राइस कितना रहेगा, तो जो मोटोरोला S50 है उसका प्राइस करीबन 29-28 इस हिसाब से है और उसी हिसाब से यहाँ पे मोटोरोला S50 न्यू का होने वाला है, करीबन 25-26 के होगा, मतलब प्रोसेसर के हिसाब से देखें तो। अब बात करते हैं इसके मल्टीमीडिया की। दोनों में हमें स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाएंगे विथ डॉल्बी एटमॉस के साथ। अब बात करें इसके अगर कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे जो मोटोरोला S50 है उसमें हमें 14 5G बैंड देखने को मिल रहे थे, अब इस बार जो मोटोरोला S50 न्यू है उसमें हमें 16 5G बैंड देखने को मिल जाएंगे। दोनों में ही Wi-Fi 6E के साथ आता है और जो ब्लूटूथ वर्जन है इस बार 5.3 देखने को मिल जाएगा। जो मोटोरोला S50 है उसमें हमें 5.2 देखने को मिल रहा था ब्लूटूथ का वर्जन। अगर बात करें इसके डिस्प्ले की, यहाँ पे डिस्प्ले में हमें मोटोरोला S50 में थोड़ा बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता था, 6.7 इंचेस का 1.5K वाला 120Hz का POLED स्क्रीन देखने को मिल जाता था। इसमें हमें करीबन 1800 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता था और HDR10+ सपोर्टेड था। अब की बार जो मोटोरोला S50 न्यू है उसमें हमें 6.4 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा 1.5K वाला 120Hz के साथ और इसमें हमें 3000 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा, ये भी HDR10+ सपोर्ट करेगा। बात करें इन दोनों के बैटरी की, तो यहाँ पे जो मोटो S50 है उसमें हमें 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल रहा था विथ 68W चार्जिंग और 15W का वायरलेस चार्जिंग, पर वहीं पे जो मोटोरोला S50 न्यू है उसमें हमें 4300 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा और वहीं पे 68W का चार्जिंग और 15W का वायरलेस चार्जिंग, मतलब यहाँ पे बैटरी के मामले में थोड़ा कम हो जाता है मोटोरोला S50 न्यू। तो इस हिसाब से इसका प्राइस भी कम रहेगा अराउंड 25-26 के, मतलब ये मोटोरोला S50 फ्यूजन और जो मोटोरोला S50 है उसके बीच में स्टैंड करेगा इसका प्राइस करीबन 26K के आसपास। अगर बात करें इन दोनों कैमरा की, तो यहाँ पे दोनों का कैमरा हमें सेम देखने को मिल जाएगा, ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ दोनों ही आएंगे। दोनों में ही हमें सेम सेंसर देखने को मिल जाता है, जो 50 MP का है उसमें हमें लिटिया 700C देखने को मिल जाता है, 13 MP का अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाएगा दोनों में ही और 10 MP का टेलीफोटो कैमरा दोनों में ही देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें इसके वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ पे 4K 30 FPS पे हम रियर कैमरा से शूट कर सकते हैं। बात करें इसके फ्रंट कैमरा की, दोनों में हमें 32 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा जिससे हम 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मोटोरोला S50 नियो के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा वो कहाँ पे स्टैंड करता है। तो ये था दोनों का कंपैरिजन। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट।